हेलो दोस्तों, मेरा नाम मिथिलेश कुमार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हमारे पास है 4K एक्शन कैमरा और इसकी मैं रिव्यू करने वाला हूँ, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही मैंने इसे खरीदा था और लेके मुझे 15 दिन हो चुका है और मैं फिलहाल डेली इसमें अपने ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। और इसका आज मैं ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ कि इसमें 15 दिन जो मैंने यूज़ किया, इसमें क्या क्या मुझे बेनिफिट्स मिले और क्या क्या इसमें कमियाँ आई, सारा कुछ आप लोगों के सामने शेयर करूँगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। तो फटाफट वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे किसी भी मैं वीडियो को अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो 4K एक्शन कैमरा है, ये फिट इस्पात का है, यानी अच्छा खासा कंपनी है। इसका नाम उतना कोई ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन फिट इस्पात अधिकतर ब्लॉगर्स यूज करते हैं। तो मैंने रिव्यू सारा डिटेल्स चेक करने के बाद ही से परचेस किया था। और इसको आप ऑनलाइन परचेस करेंगे तो 12 से 14 हज़ार रुपये करीब पड़ जाएगा, और इसके साथ सारा एसेसरीज लेंगे तो आपको 15 हज़ार रुपये करीब पड़ जाएगा। तो मैंने जो यहाँ पर प्रेस किया, आपको पावर ऑन बटन ऑन करते साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा डिस्प्ले ऑन हो चुका है। और इसमें एक फ़ायदा ये है कि ये डुअल स्क्रीन है, ये बैक स्क्रीन डुअल स्क्रीन के लिए हमें यहाँ पर प्रेस करके रखना है तो सामने कैमरा स्क्रीन ऑन हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैक स्क्रीन हमारा बंद हो चुका है और ये फ्रंट स्क्रीन हमारा चालू है। तो फ्रंट स्क्रीन चालू होने से मदद से आपको एक बेनिफिट मिलता है कि आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आप इसमें देख सकते हैं कि आपका पूरा चेहरा या आपका पूरा फेस या आपका बॉडी पूरे कैमरे में आ रहा है या नहीं आ रहा, आप सही तरह से कैप्चर कर सकते हैं। तो इसका पहला फायदा यही है कि आप इसको देखकर आराम से अपना वीडियो शूट कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर इसकी जो बैटरी है, बैटरी आपको चलती है कम से कम 50 to 1 hour, इतना आपका बैटरी बैकअप दे देता है। जो दूसरा बेनिफिट बता रहा हूँ यहाँ पर, बैटरी बैकअप इसका आपको 1 घंटा लमसम मिल जाता है। अगर 4K आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपको 40 to 50 मिलेगा, एंड 1080 या तो 2K आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपको 1 घंटे का आपको बैटरी बैकअप मिल जाएगा। तीसरा पॉइंट इसमें आते हैं हम, तीसरा पॉइंट ये है कि इसमें आपको 4K सपोर्ट मिलता है। सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि हाई रेजोल्यूशन आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और चौथा, यहाँ पर जो मेन चीज़ मैं बताऊँगा, इसमें एक्सटर्नल माइक सपोर्ट है, यानी आप अपना इसमें माइक लगा के अपना वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। यानी वीडियो में अगर आप कोई भी वीडियो शूट कर रहे हैं तो उसमें आपका मेन इम्पोर्टेंट होता है आपका वॉइस क्वालिटी। तो यहाँ पर आपको एक्सटर्नल माइक मिलता है जिसकी मदद से आप अपना वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। और यहाँ पर पांचवा जो मैं बताऊंगा चीज़, यहाँ पर ये आपको वाटरप्रूफ केस के साथ मिलता है, जो मैं अभी साथ में रखा नहीं हूँ, जो आप अंडर वाटर भी इसका यूज कर सकते हैं। इसको 30 मिनट्स तक आप अंदर पानी के यूज कर सकते हैं, यानी कोई भी वीडियो शूट कर सकते हैं। और बाकी इसमें तो आपको पता ही होगा कि स्लो मोशन, लॉन्ग वीडियो या फास्ट या स्लो, जिस तरह का आप इसमें बनाना चाहते हो उस तरह का वीडियो बने, क्योंकि एक्शन कैमरा खास करके यही सबके लिए होता है कि जिस तरह से आप वीडियो शूट करना चाह रहे उस तरह से आप वीडियो शूट कर सकते हैं। तो 5 में मैंने बेनिफिट्स बताए, और इसमें चलिए अब 5 में कमियां भी बता देता हूँ फटाफट आप लोगों को। तो पहला कमी जो इसमें बता रहा हूँ मैं, इसका हीटिंग का प्रॉब्लम आता है। अगर ज़्यादा देर आप कंटिन्यू इसे यूज़ करते हैं तो ये कैमरा हीट होता है, लेकिन हीट होने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, सारा कुछ नॉर्मल ही रहता है। दूसरा, यहाँ पर पॉइंट पर आता है, जो इसमें एक्सटर्नल माइक मिला है आपको, एक्सटर्नल माइक जो इस कंपनी का ही आपको यूज़ करना, अनदर कंपनी का आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। और जो कैमरा का इसका जो माइक आ रहा है साथ में, उसकी जो क्वालिटी है सबसे बेकार क्वालिटी है। मैं तो बोलूँगा वो माइक लेना ही नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पास जुगाड़ था और मैंने उसका एक विचार से मैं बताऊँ तो उसका मैंने ऑपरेशन ही कर डाला, पूरा खोल के मैंने उसका माइक को चेंज ही कर दिया। थोड़ा अगर आपके पास नॉलेज है तो आप जरूर सुधार कर सकते हैं, नहीं तो आपके लिए इसका माइक समझिए तो बहुत ही बेकार है। अगर आप मोटर ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो मोटर ब्लॉगिंग के लिए ये आपका माइक अगर आप सुधार सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मोटर ब्लॉगिंग के लिए नहीं है। नॉर्मली आप ब्लॉगिंग के लिए इसका
यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर आप एक चीज और बता दूं आपको कि इसकी बेनिफिट यहाँ पर, और एक चीज मैं बढ़िया चीज बताना भूल गया कि इसका जो ऑडियो यहाँ से जो रिकॉर्ड होता है, इसके द्वारा कैमरे द्वारा जो ऑडियो रिकॉर्ड होता है, इसकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। अगर आप ब्लॉगिंग में यूज करें तो बहुत ही बढ़िया है। दूसरा यहाँ पर जो इसकी बैटरी चार्जिंग का टाइमिंग है वो थोड़ा मुझे गड़बड़ लगा है, क्योंकि जो टाइमिंग है वो कुछ ज़्यादा ही ले रहा है। मान लीजिए इसका 3 पॉइंट दिखा रहा है चार्जिंग, तो मैं 1 पॉइंट खत्म होने पर अगर चार्ज पर लगाता हूँ तो कम से कम 1 घंटे के लगभग हमें लग जाता है चार्ज करने में, तो काफ़ी समय ले लेता है ये चार्जिंग में हमारा। दूसरा यहाँ पर इसमें ये जो बटन्स दिए हैं, ये बटन्स यहाँ पर नीचे वाला हमारा कुछ काम कर रही है, ऊपर वाला ये काम का, ये फालतू का बटन मुझे लगता है कोई काम कर रही है। और यहाँ पर जो हमारा जो मेमोरी कार्ड का स्लॉट दिया हुआ है, इसमें एक कमी ये है कि अगर आपसे ये कैमरा गिरता है तो इसका मेमोरी कार्ड कभी भी निकल के बाहर आ जाएगा, तो उसमें मुझे थोड़ा ये कमी लगा। ओवरऑल देखा जाए तो ये कैमरा आप यूज कर सकते हैं, मैं यूज कर रहा हूँ, मुझे ये तो बहुत पसंद आया, बहुत ही बढ़िया है ये मेरे लिए हिसाब से, ये बहुत ही बेस्ट से बेस्ट है। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम थी मुझे वो माइक की, एक्सटर्नल इसकी जो माइक है, इसकी क्वालिटी है वो ज़रा बेकार थी। तो फिलहाल अगर आपके पास जुगाड़ है, तो इंडिया में जुगाड़ के लोग बहुत ज़्यादा ही फेमस है, तो जुगाड़ लगा के आप इसका यूज कर सकते हैं। और कम रेट में आपको और क्या चाहिए, सारा कुछ इसमें मिलता है। और इसका एक्स्ट्रा बैटरी अगर बाई करना चाहते हो तो बाई कर सकते हैं, और माइक अगर खरीदेंगे तो कम से कम 1500 रुपये पड़ जाएगा आपको। और मैंने इसको माइक इसका जो मैंने खरीदा था अभी फिलहाल उसे ऑफर में लिया था, तो मुझे 700 में मिल गया था, यानी हाफ रेट से भी कम रेट में मिल गया। और यहाँ का जो नीचे का जो कवर है ये हमारा मिसिंग हो गया, क्योंकि ये जो कवर था मैंने ठीक से लॉक नहीं किया था, या तो इसकी जो यहाँ पर लॉकिंग सिस्टम वो ठीक नहीं है। और बाकी सी सब इसमें सही है, बहुत ही बढ़िया है, मैं तो यूज़ कर रहा हूँ। तो आई होप आपको दोस्तों समझ में आया होगा कि इसमें क्या कमियाँ हैं और क्या लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, या इसके रिगार्डिंग आपके अंदर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, मन में कोई सवाल आ रहा है, तो कृपया हमें कमेंट कीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपको उस पर रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आप लोग के लिए हमेशा लेके आते रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें और सेफ रहें। धन्यवाद।